2017, I finished Witcher 3 for the first time out of the many different times. उस गेम को कंप्लीट करने के बाद the only thought that came to my mind was holy shit, who made this game? तब मुझे पता लगा कि ये गेम तो CD Projekt Red ने डेवलप की है. Me being me, I had never heard the name of this company. Everyone knew about Ubisoft, EA, Rockstar Games, but CDPR? Seriously? Witcher 3 ने मेरे ऊपर ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा था कि all I wanted was more of CDPR. तो मैंने विचर 1, विचर 2 को खेलने की ट्राई की, बट इट वॉज एन अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट. आई बेयरली प्ले गेम्स नाउ डेज. तो जब मैंने स्टूडियो के बारे में और पता किया तो आई केम टू नो कि ये डेवलपर्स 2012 से एक गेम पर वर्क कर रहे हैं, टाइटल साइबरपंक 2077. टू से आई वॉज एक्साइटेड विल बी एन अंडरस्टेटमेंट. वेल लेट्स पुट इट दिस वे. First of all, I'm a huge sucker for late 70s and early 80s era music, movies, aesthetic. I just love that, you know, aesthetic of that time period and the music of that time period. इसीलिए मैं Stranger Things का इतना बड़ा फ़ैन हूँ. But जब पता लगा कि इस गेम में उसी 80s और 70s के टाइम का futuristic वर्जन देखने को मिलना था, CDPR भी प्रोड्यूस कर रही थी, जो कि ऑलरेडी Witcher 3 जैसी एक्सीलेंट गेम को प्रोड्यूस कर चुकी थी, the hype was really through the roof. Come 2018, we got the iconic "You are breathtaking" moment by Keanu Reeves. You are breathtaking. But ab aata hai first roadblock. Game ko April se delay karke August mein shift kar diya jata hai. Fir is game ko August se ek baar fir se November mein shift kar diya jata hai. And fir ek baar dobara se is game ko November se December 10th ki final date di jati hai. All while taking all the pre-orders they can. Is time period mein unhone dabakar pre-orders liye. और इस गेम का कैनो रीव्स की वजह से प्रमोट होना, बार बार डिले करना, ऑल दिस लेड टू द हाइप गेटिंग बिगर एंड बिगर बाय ईच टाइम. यू नो, एक इतना बड़ा बबल बन गया था कि सडनली आई फाउंड माय लिटिल सीक्रेट ऑफ साइबर पंक बींग नोन बाय एवरीवन. सडनली मतलब अचानक से सबको पता लग गया साइबर पंक क्या है. ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स सडनली स्टार्टेड आस्किंग अबाउट इट. इवन द पबजी मोबाइल ओनली गेमर सडनली शोड क्यूरियोसिटी. सो इससे ये तो साफ होता है कि GTA 5 के बाद आने वाली मोस्ट हाइप्ड गेम साइबरपंक 2077 है. कम 10th दिसंबर आई वॉज ऑल रेडी टू प्ले दिस गेम, ऑल प्री लोडेड विद अ बॉटल ऑफ वाटर फील्ड. एंड टू से दिस गेम वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट विल बी एन अंडरस्टेटमेंट. द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द गेम शोड मी हाउ बैड द UI ऑफ द गेम रियली इज. एवरीथिंग वॉज क्लटर्ड एंड मेसी, नथिंग वॉज मिनिमलिस्टिक. ये गेम एक्सपेक्ट करती है दैट यू विल ऑलरेडी नो अबाउट RPG एंड स्टफ. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने RPG ज़्यादा गेम्स नहीं खेली हैं, डिटेल्ड RPG Skyrim Fallout टाइप की. द करेक्टर कस्टमाइजर फीचर वॉज ऑल्सो ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट. मुझे लगा था कि वील हैव द करेक्टर कस्टमाइजेशन लाइक WWE गेम्स, जिसमें आप हर एक चीज़ अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो. इनसाइड ऑल वी हैड वॉज ईदर अ बिग डिक और स्मॉल डिक ऑप्शन. नाउ कम्स वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज आई हैड. मैंने इस गेम में अपने करेक्टर को एक स्टूपिड सा हेयर स्टाइल दे दिया था एंड मैंने सोचा कि बाद में चेंज कर लेंगे. बट बाद में जब मैं इस गेम का ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोर करने लगा तब मुझे पता लगा कि इस गेम में एक हेयर ड्रेसर तक भी नहीं है. यू कांट कस्टमाइज इवन योर हेयर स्टाइल. ये चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखना वो द सेकेंड नेचर फॉर मी, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर बैक इन 2006 और 2007, आई यूज टू प्ले GTA San Andreas इन अ गेमिंग कैफे एवरी संडे. और मैं उस गेम में काफ़ी सारा टाइम हेयर स्टाइल चेंज करने में लगाता था. एंड माइंड यू, ये गेम 2004 में लॉन्च हुई थी, तो एक 2004 में लॉन्च हुई गेम जो कि 90s में बेस्ड थी, हेयर ड्रेसर का फीचर होना, एंड एक 2020 में रिलीज हुई गेम जो कि 2077 में बेस्ड है, उसमें ये फीचर ना होना इज़ नॉट माई फॉल्ट. डिवेलपर्स ऑफ द गेम शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डर्थ ऑफ बेसिक फीचर्स सच एज करेक्टर कस्टमाइजेशन. एंड केम द वर्स्ट ऑफ ऑल, द AI इन दिस गेम इज़ द वर्स्ट आई हैव एवर सीन. इस गेम का AI मोबाइल की गैंगस्टर वेगस गेम से भी बेकार है. यू कैन स्टे इन अ कार इन द मिडल ऑफ द रोड एंड आपके पीछे कार्स खड़ी रहेंगी, दे वॉन्ट डू शिट. वो बस खड़ी ही रहेंगी, दे विल नेवर टेक अ टर्न और डू समथिंग AI लाइक, यू नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक. इट फील्स जैसे कि इस गेम का AI बस बंच ऑफ इफ कमांड्स है कि अगर ये हो जाए तो वो करना है, दैट्स इट, जिसमें कुछ भी इंटेलिजेंस नहीं है. दिस द AI ऑफ दिस गेम मिसेज द होल पॉइंट ऑफ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देन कम्स द पुलिस सिस्टम. इस गेम में आप मिडल ऑफ द डेजर्ट में हो, हाईएस्ट बिल्डिंग में हो, जहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता, वहाँ पर खड़े रहो और कुछ इलीगल करो, एंड सडनली आपके पीछे, पीठ के पीछे, एग्जैक्टली पीछे पुलिस का कोई सिपाही स्पॉन कर जाएगा. एंड दिस कम्प्लीटली ब्रेक्स द इमर्शन, सिंस देर आर नो पुलिस चेजेस इन द गेम. पुलिस कभी भी कहीं से नहीं आती, वो डायरेक्ट स्पॉन हो जाती है आपके पीछे, और पुलिस से बचने के लिए बस आप एक ब्लॉक आगे चले जाओ बिल्डिंग के, एंड द स्टार्स विल डिसअपेयर.
Now let's talk about the good parts of this game. You know, these games have something good too. देखो आई वोंट लाई, मुझे एक भी क्रैश देखने को नहीं मिला इस गेम में, ना ही कोई बग. द गेम रैन कम्प्लीटली नॉर्मली फॉर मी. द वर्ल्ड ऑफ दिस गेम इज़ नॉट गोना लाई, रियली रियली ब्रेथ टेकिंग. द सिटी इज़ वेल डिजाइंड एंड गिव्स ऑफ अ ग्रेट 2070s फ्यूचरिस्टिक वाइब, बट दैट्स वेयर द पॉजिटिव एंड्स ऑफ द ओपन वर्ल्ड. द ओपन वर्ल्ड ऑफ दिस गेम इज़ जस्ट लाइक अ म्यूजियम, जहाँ पर आप जा सकते हो बट आप कुछ भी टच नहीं कर सकते, कुछ किसी भी चीज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते. काफ़ी सुंदर होते हैं म्यूजियम, वेरियस ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने देखी नहीं, बट आप देख ही सकते हो, कुछ कर नहीं सकते उसमें. द सेम कैन बी सेड अबाउट दिस ओपन वर्ल्ड टू. देर आर नो साइड एक्टिविटीज़ लाइक मे बी गोइंग टू अ क्लब एंड हैविंग सम ड्रिंक, यू कैन इन थ्योरी, बट कोई एनिमेशन नहीं है उसका. इट विल बी यू नो जस्ट सुपरफिशियल फॉर इंक्रीजिंग योर हेल्थ, दैट्स इट. यू कॉन्ट प्ले मिनी गेम्स इन दिस गेम. You can't ride trains or do something futuristic. You know, I expected कि इस गेम के ओपन वर्ल्ड में मैं अपनी आर्म्स को चेंज कर सकूँगा, फ्लाइंग जेट पैक्स ले सकूँगा, ये वो, बट नथिंग लाइक दैट हैपन्स इन दिस गेम एवर. द ओपन वर्ल्ड इज़ बेसिकली अ म्यूजियम. सो द ओपन वर्ल्ड इज़ ट्रीटेड एज अ लोडिंग स्क्रीन इन माई हम्बल ओपिनियन, जिसमें आप बस एक जगह से दूसरी जगह मिशन के लिए जा सकते हो, दैट्स इट. The story is amazing and probably the only reason you should even touch this game. The performance by the cast and Keanu Reeves is great. This game ki story ne mujhe completely grip karke rakha tha till the very very end. The story had great twists and turns. This game ki story basically ek psychological thriller hai. You deal with the duality aspects of the mind and giving the control to a better version of yourself, I believe. अगर आपको मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दूं तो वो होगा फाइट क्लब का, यू नो द टाइलर डर्डन एंड द नरेटर. कुछ वैसी ही इसकी चॉइसेस हैं गेम की एंड द स्टोरी है. द चॉइसेस इन दिस गेम आर आल्सो डिसेंट. आप इस गेम में रीप्लेबिलिटी की उम्मीद मत रखना, बिकॉज इस गेम की चॉइसेस कुछ इस तरह की हैं. आपको ए से बी पॉइंट में जाना है, आपको दो रास्ते दिए जाएंगे, बेसिकली दो चॉइसेस दी जाएंगी, बट एट द एंड आपको दोनों चॉइसेस बी में ही पहुँचाएंगी, मतलब प्री डिटरमाइंड एक कटसीन पे ही लेकर जाएंगी. और यही आप इस गेम की स्टार्टिंग की थ्री लाइफ पाथ चॉइसेस में भी देख सकते हैं. आप कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं मान लो स्ट्रीट किड लूँ, आप लो कोर पॉकेट, और हम दोनों ने डिफरेंट लाइफ चॉइस तो ज़रूर सेलेक्ट की है, बट एट द एंड जो होगा 30 मिनट बाद वो हम दोनों का गेम प्ले सेम जगह पे आके मर्ज कर जाएगा. तो उस वजह से इस गेम की रिप्लेबिलिटी बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है एज एन आरपीजी. इस गेम में आपको चॉइसेस जो हैं वो सेम ही रहेंगी, डिफरेंट तो होंगी बट ओनली इन थ्योरी, ओनली ऑन पेपर. एट द एंड द गेम चॉइसेस डजंट मेक अ डिफरेंस. इस गेम में मेरा फेवरेट करेक्टर रहा कियानू रीव्स वाला. एंड एंडिंग में आप इस गेम की काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करोगे स्टोरी के ऊपर, बिकॉज द स्टोरी ऑफ द गेम इज़ रियली अमेजिंग. द एंडिंग इज़ ब्रेथ टेकिंग. एंडिंग्स आर ब्रेथ टेकिंग आई वुड से. 4-5 एंडिंग्स हैं इस गेम में. ये गेम इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन एज अ लीनियर गेम होती तो बहुत ज़्यादा वे 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 बेटर होती. समथिंग लाइक मे बी अनचार्टेड और मे बी गॉड ऑफ वॉर सेट इन अ फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड. क्योंकि इसका जो ओपन वर्ल्ड है वो एज गुड एज डेड है. उसमें ना NPCs में कुछ करेक्टर है, ना ही कोई इंटरेक्टिविटी है, ना ही कोई मतलब यू नो ढंग का मतलब इस वर्ल्ड में आपको काफ़ी ज़्यादा वो महसूस होगा, इनकम्प्लीट वर्क, कि ये वर्ल्ड बनाने में इतना रिसोर्स इन्होंने यूज़ कर दिया है कि जो वर्ल्ड को फिल करना एक्टिविटीज से वो है नहीं. एट द एंड अगर कोई मुझे बोले कि इस गेम को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो, देन आई विल से सिंपली दैट दिस गेम इज़ अ ब्यूटिफुल लाई. ब्यूटिफुल बट अ लाई. या सो दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट. सो या गाइस, आई एम फाइनली बैक अगेन मेकिंग द कॉन्टेंट. एंड या आई वॉज गोन फॉर अबाउट 5 मंथ्स नाउ. लाइफ हैपेंड एंड द प्लान नाउ इज टू जनरेट कॉन्टेंट एट रेगुलर बेसिस. अब के लिए मैं सोच रहा हूँ कि वीकली एटलीस्ट 2-3 वीडियोज़ अपलोड करूँ. एंड नॉट यू नो डू नॉट टेक इट एज अ फैक्ट, जस्ट टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट. मेरा पता नहीं मैं फिर चाहे गायब हो जाऊँ. ये वीडियो की स्क्रिप्ट मैंने 2-3 महीने पहले लिख ली थी, जनवरी मंथ में लिखी थी. उसके बाद मैंने इस पर वर्क नहीं किया, बट फाइनली आज मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ. सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. If you can like it, share with your gaming friends and subscribe the channel if you haven't. That's it. Peace out. Too sweet.